असल अजीजलबा तौलबा जमात बारहवीं के माशियत के चौथे वीडियो में आप तमाम का इस्कबाल है जज्वी और कुली माशियात यह पहला सबक है इसका ये दूसरा वीडियो है दूसरा पार्ट है हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए पहले अहम नुकात है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इंडिविजुल यूनिट्स एंड प्राइस थ्योरी यानी जजवी माशियात की खसूसियात स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स यानी इफ़रादी इकाई का मुताला इफ़रादी इकाई का मताल यानी जज्वी माशियात छोटी इफरादीमाशी इकाइयों के सलूक का मताल है मफरादी फ़र्म इफरादी कीमत और इफ़रादी अफराद खाना वगैरह यानि किसी ख़ास फ़र्द की फर्म या फिर छोटे जो का, कारोबार होते हैं उससे मुतल बातें होती हैं दूसरा है प्राइस थ्योरी यानी कीमत का नज़रिया जज्वी माशियात अशिया और ख़दमात कीमतों की के साथ साथ पैदावार के तय की वजाहत करता है लहजा इसे कीमत नज़रिए से भी जाना जाता है यानी प्राइस थ्योरी से भी जाना जाता है पार्शल इक्विबिलियर एक्विलबरीम एंड बेस्ड ऑन सर्टन एजमशम्स ये दोनों चीज़ें हमने आज इस पर गौर करना है पहला है पार्शल इक्विलिबरीम यानि जजवी तोज़न अब जजवी तोज़ुन क्या है तोज़ुन से मुराद दो अवामिल के दरमियान बराबरी है अब जुजवी माशी तजिया जजवी तोज़न की वजाहत करता है यानी जजूी माशी तजिया क्या करता है जज्वी तोज़ुन की वजाहत करता है जो कि इंफ्रदी माशी इकाई के मतवाजन मीर का तजिया है इंफ्रदी माशी इकई यानी किसी एक फ़र्द की जो माशी इकई है उसके तोज़ुन का तजिया है मिसाल के तौर पर इफ्रदी सार्फ इफ़ी फर्म और इफ़रादी सनत यानी कोई एक शख्स कोई फर्म डाल रहा है कोई बिजनेस खोल रहा है कोई तजारत खोल रहा है कोई सर्फ़ कोई सनत लगा रहा है और जो ख़रीदो फरोख्त कर रहा है वही चीज़ यहाँ पर सारी के तौर पर सामने आएगी ये इनफरादी इकाइयों को दीगर से सेलहदा करता है और ख़ुद पर मुनासिर इसके तवाजुन का मताल भी करता है अब चौथा है चंद मफरूज़ात पर मुनासिर यानी बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस अजम्पशन कहते हैं मफरूज़ को जो फ़र्ज़ कर लिया जाता है जज्वी माशियात की शुरुआत बुनियादी मफरूज़ात यानि दीगर तमाम चीज़ें हजब मामूल हो के साथ होती है जैसे कि मकम्मल मसाकत आजादाना तजारती पॉलिसी खालिद सरमादारी और मकम्मल रोज़गार वगैरह मफरूज़ा तजिए को आसान बनाते हैं ये देखिए इसमें तमाम चीज़ें तो यकसा यक नहीं हो सकती तो सबसे पहले मफरूज़ात कौन से हैं मुकमल मसाकत यानि जो मुकाबला आ रहे होंगे आज़ाद तजारती पॉलिसी उसके बाद खालिद सरमायदारी यानी कोई सिर्फ पैसा लगा रहा है दूसरे लोग कारोबार कर रहे हैं और मुकम्मल रोजगार यानी कोई सिर्फ काम कर रहा है बाकी के लोग पैसा लगा रहे हैं स्लाइसिंग मेथड एंड यूज़ यूज़ ऑफ़ मार्जिनलिज्म ये इसके दो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल को यहाँ पर हम बयान करेंगे पहला है स्लाइसिंग मेथड यानी टुकड़ा फाँक तरीक़ा फाँक यानी जो जैसे सेब की खाशे करते हैं टुकड़े कर देते हैं तरबूज के टुकड़े करते हैं तो उसे स्लाइस करना कहते हैं तो वैसे ही उसी तरीक़ेकार को यहाँ बयान किया गया है जज्वी माशिया टुकड़ा तरीका इस्तेमाल करता है यानी जजू मशियात तो में माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत बारीक बारीक चीज़ों पर गौर करना पड़ता है ये पूरी मीशत को छोटी इफरादी इकाइयों में तकसीम कर देता है और हर इकाई का इलादालादा तफ़ी मुताल करता है यानी जो छोटी इफरादी इकाइयाँ हैं पूरी मीशत छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम होती है कोई अलग तजारत करेगा कोई ठोक तजारत करेगा कोई इनफरादी तजारत करेगा तो ये तमाम किस्म की तजारत जो रहेगी या फिर बिज़नेस रहेगा वो छोटी इकाइयों में स्लाइसिंग तरीक़े से आ, बटी हुई रहती है तकसीम होती है मिसाल के तौर पर कौमी आमदनी में से इफ्रदी आमदनी का मताल और कुल मांग में से इंफरादी मांग का मताल वग़ैरह कौमी आमदनी क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अब जो कुछ भी है कौमी आमदनी यानी नेशनल इनकम उसमें से एक आदमी की इनकम कितनी है वह और पूरे कौम की मांग में से एक, एक अलहदा फ़र्द की मांग क्या है वो स्लाइसिंग मेथड में समझा जाता है अब इसमें छठा है हाशियाई ख़ानून का इस्तेमाल यानी यूज़ ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल हाशाई ख़ान का इस्तेमाल अब जज्वी माशी तजिए में हाशाई नज़रिया अहम तरीन आला है इस तरह असिला हा, हाशियाई से मुराद इजाफी इकाई के इजाफे से कुल में तब्दीली का आना है हाशियाई तजिया तब्दीली के जरिए मतगर के मुालले में मदद करता है पैदा पैदाकार और फिर इस, उस, इस उसूल के इस्तेमाल से मुशी फैसले करते हैं यानी जो पैदाकार है जो पैदावार बढ़ाने वाला है और जो खर्च करने वाला है ये इसी उसूल के तहत काम करते हैं एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर है सातवा और दूसरा आठवा है लिमिटेड स्कोप अब सातवा क्या है बाजारी साख का यानी एनालिसिस मार्केट स्ट्रक्चर अब जज्वी माशियात में मुख्तिक बाजारी साख का मताल करता है मसलन मुकम्मल मसाखत अजारा दारी अजारा दाराना मसाबत और चंदा अजारा दारी वगैरह और आठवा क्या है महदूद दायरा बहस यानी लिमिटेड स्कोप अब जज्वी माशियात का दायरा बहस सिर्फ इनफरादी इकाइयों तक महदूद है ये कौमी सतह के माशी मसाइल मसल अफरात ज़र नजर तजरीत ज़र मतवाजन अदायगी गुरबत बेरोजगारी आबादी और माशी नमों वगैरह की तफसल फ्राहम नहीं करता अब लिमिटेड स्कोप में क्या है सिर्फ इनफरादी की महदूद है अब इसमें कौमी मसाइल नहीं आएंगे कौमी मसाइल में जैसे कि माशी मसाइल आते हैं अफरात के जरिए इन्फ्लेशन महंगाई कैसे बढ़ रही है तजरीते जरिए मुतवाजन अदायगीबत पावर्टी लाइन बिलो पावर्टी लाइन बेरोज़गारी अन्प्लॉमेंट हो रहा है कैसे हो रहा है आबादी का बढ़ना माशी नमो तमाम चीज़ें इसमें जिक्र में नहीं आएगी इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी प्राइस डिटर्मिनेशन और फ्री मार्केट इकनॉमी ये दो चीज़ें हैं जो जुजवी माशियात का एक अहम हिस्सा समझी जाती है सबसे क्या है प्राइस डटर्मिनीशन यानी कीमत का तय अब जुजवी माशियात इस बात की ईजात करता है कि किस तरह मुख्तलिफ पैदावार यानी की कीमत और मख्तलफ पैदावार का तयन होता है यानी प्राइस डिटर्मिनेशन जो है ये जुजवी माशियात का एक अहम हिस्सा तस्वूर किया जाता है दूसरा है आज़ाद बाज़ार यानी फ्री मार्केट एक्नोमी जज्वी माशियात खुला बाज़ार मीशत के अमल को समझने में मदद देता है खुला बाज़ार मीशत वो मीशत है जिसमें अशा की पैदावार से मतलब माशी फैसले मसलन किस चीज़ की पैदावार करे कितनी मकदार में पैदावार करे और किस तरह तरीक़े से पैदावार करे वगैरह फैसले इनफरादी सतह पर किए जाते हैं यहाँ हुकूमत या दूसरे जिम्मेदारों की कोई मुदाखलत नहीं होती यानी आइए खुला बाज़ार मीशत जो है ये हर चीज़ में इसमें अशा की पैदावार और नफ़ा नुकसान को सबसे अहमियत हासिल होती है इसमें हुकूमत या दूसरे ज़िम्मेदारों की कोई मुदाखलत नहीं है फॉरेन ट्रेड ये तीसरा नुकता है और चौथा नुकता है इकनॉमिक मॉडल बिल्डिंग फॉरेन ट्रेड यानी गैर मुल्की तिजारत अब जजवी माशियात गैर मुल्की तिजारत के मुख्त उमूर मसलन मखसूस अशिया पर महसूल के असरा कोई दो मुल्कों की ज़र यानी करेंसी के तबादले की शरह का तयन मखसूस मुल्क से बैन अवी तजारत से हासिल होने वाला मुनाफा ये देखिए इसमें ख़ास तौर पर फॉरेन ट्रेड जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस होता है इसमें गैर मुल्कों से यानी चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो उससे जो भी हम ख़रीदो फरोख्त करते हैं उसमें कमी ज़्यादाती किस तरीके से होती है उन चीज़ों को यहाँ पर बयान किया जाता है अब चौथा नुकता है माशी नमों की तमीर अब यानी इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अब जुजवी माशियात माशी नमूनों की मदद से मुख्तलिफ पेचीदा माशी कैफियत को समझने में मदद देता है यानी जो पेचीदा माशी नमूने होते छोटे छोटे जो चीज़ें होती है जिसके ऊपर आप जुजवी माशियात में जिक्र करते हैं और उसके ऊपर तवज्जो करते हैं वही यहाँ पर बयान की जाती है अब ये माशियात से मुख्तलिफ असलाह नज़रियात और माशी तजिए के आलात वगैरह पर भी इसमें गौर व ख़ोस होता है पाँचवा है बिज़नेस डिसीजनस यानी कि तजारती फ़ैसले कैसे लिए जाएंगे और छठा है यूज़फुल टू गवर्नमेंट ये हुकूमत के लिए कितनी कार आमद होती है अब माशी नमूनों की तमीर मुख्तिक मतगे के इस्तेमाल से की जाती है अब कारोबारी फैसले क्या है जजू माशी नजरियात कारोबारी अफराद को फैसला कन कारोबारी फैसलों के हासिल करने में मददगार होते हैं यानी ये जो माइक्रो इकनॉमिक्स है जो जजू माशी नजरियात है ये बारिक बीनी से कारोबार करने वाले ताजरों के लिए बहुत मददगार होते हैं ये फ़ैसले पैदावार लागत का तय अशिया की कीमत का तयन ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और मुनाफा वगैरह से मुतल होते हैं यानी अशिया की कीमत का तयन और पैदावार पैदावार और मुनाफे की तमाम चीज़ों का इसमें ज़िक्र आता है अब छठा है हुकूमत के लिए काबिल व इस्तेमाल मुफीद ये कितना यूज़फुल है गवर्नमेंट के लिए ये हुकूमत की को पौ, माशी पॉलिसियाँ बनाने में काबिल इस्तेमाल यानी मुफीद है मसलन टैक्स की पॉलिसी अवामी अखराजा की पॉलिसी कीमत की पॉलिसी ये पॉलिसियाँ को कम से कम खर्च यानी किफायती वसायल के तयन और समाज की माशी फलाह व बहबूद को तरक्की देने वगैरह मकासद को हासिल करने में मददगार होती है यानी वो तमाम चीज़ें इसका एक अहम जुज़ है हिस्सा है चाहे वह अखराज हो या फिर टैक्स वगैरह के रिजीम हो अगला है फलाह की बुनियादी बेसिस ऑफ वेलफेयर एक्नॉमिक्स अब जजवी माशियात तो वजाहत करता है कि किस तरह वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल और इसके तय के ज़रिए बेहतरीन नतायज हासिल किए जा सकते हैं ये इसका भी मतलब करता है कि टैक्स किस तरह समाजी फलाह पर असरअंदाज होते हैं यानी टैक्स समाजी फलाह पर असरानंदाज़ होते ये बात तो यहाँ पर मान ली जा रही है मीनंगफ माइक्रो इकनोमिक्स यानी कुल मीशत की तारीफ़ क्या है इसके मानी क्या है वो यहाँ पर बयान की जा रहा है कुल माशियात के मानी कुल माशियात मशियत की एक शाख है जो मशियत के अंदरूनी मामलों का तजिया करता है ये कुल रोज़गार कौमी आमदनी कौमी पैदावार कुल सरमाकारी कुल जुज़ु कुल बचत आम कीमतों की सतह सूद की शराब अफ़रात ज़र तजारती चक्कर और कारोबारी उतार चढ़ाव की वजाहत करता है लिहाजा कुल माशियात कुल कुल का मुताल है यानी पूरे मुल्क की जो रोज़गार है कौमी आमदनी है कौमी पैदावार है सरमाकारी है इन तमाम चीज़ों का इस पर इसमें ज़िक्र होता है जिसे आप कुली माशियात या माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं अब इसकी तारीफ क्या है डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एक तो जे एल हैंसन ने लिखा है जे एल हैंसन कहते हैं कि कुली माशियात माशियात की वो शाख है जो बड़े यानी कुल एग्रीगेट्स के दरमियान ताल्लुक़ पर गौर करता है जैसे कि रोज़गार की जसाम बचत की कुल मकदार सरमाकारी और कौमिया आमदनी और दूसरा है प्रोफेसर काल शेप्रो काल शेप्रो क्या कहते हैं कुली माशियात मीशत के तमाम कामों की वजाहत करता है कुली माशियात क्या करता है मीशत के तमाम कामों की वजाहत करता है उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी खुदाफिज़